नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं वेद प्रकाश पांडे आज आप सभी के लिए एक बार फिर से इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ, और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैसेज भी देना चाहूंगा। तो सबसे पहले स्वागत करूंगा मैं आज के अपने गेस्ट से। सर धन्यवाद। सबसे पहले मैं वेद प्रकाश सर का मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इन्होंने इनके यूट्यूब चैनल पे मुझे आने का मौका दिया, और ये कई कई टाइम से ये इनके चैनल के साथ में जुड़े हैं और ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहते हैं। तो पहले सबसे पहले आपके लिए धन्यवाद। सर मेरा नाम वीर चौहान है, मैं वर्सटाइल यूथ शोतोकन कराटे फाउंडेशन का मैं प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर हूँ। तो हमारे कई स्टेट में हमारे वर्सटाइल चल रहा है, तो काफी एक्टिव है हमारा वर्सटाइल। सर जैसे कि नाम है वर्सटाइल, वर्सटाइल मतलब क्या सोच की वर्सटाइल मतलब रखा? सर एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर एक वर्सटाइल मींस एक्टिविटीज होनी चाहिए कि वो हर टाइप से हर सिचुएशन से वो लड़ सके। तो वर्सटाइल का मीनिंग ही वो है कि हम एक वर्सटाइल एक स्पोर्ट्स पर्सन है। तो सर बेसिकली आप कराटे ही कराते हैं? हाँ सर, हम कई सालों से, मैं 92 से इस कराटे इंडस्ट्रीज में हूँ, कराटे फील्ड में हूँ, स्पोर्ट्स फील्ड में हूँ। तो 92 से अभी तक हमारा ये चल रहा है, और आखिरी हमारी जर्नी लास्ट ब्रीथ तक हमारी कराटे ही चलती रहेगी। अच्छा सर, जैसे कराटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं कि ऑर्गेनाइजर के? सर कराटे इवेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसको मैनेज आप कैसे कर दें, कि मैनेज करने के लिए कैसे कि पूरे कौन से लेवल की आप कंपटीशन करवाना चाह रहे हैं, कि फॉर स्टेट लेवल होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल होती है, या नेशनल लेवल की होती है। नेशनल लेवल की होती है तो वो काफ़ी चैलेंजेस हो जाता है उसके लिए, क्योंकि पूरे भारत से कई स्टेट आते हैं, तो उनको मैनेज करना, उनकी टीम को मैनेज करना, उनके बच्चों को, स्टूडेंट्स लोगों को मैनेज करना, तो ये काफ़ी स्ट्रगलफुल हो जाता है। जी बिल्कुल, हम देखते हुए कई इवेंट्स हमने देखे हुए हैं। सर आपके इवेंट्स हमने बहुत अच्छे अच्छे देखे हैं और बहुत अच्छे से आप मैनेज करते हैं सर, तो एक सक्सेसफुल इवेंट कराने के लिए आप किस तरीके से लोगों को गाइड करना चाहेंगे? सर सबसे पहले कैसे कि हम अगर हमारी कंपटीशन रखते हैं तो ऐसे नहीं कि हमने दो दिन एक हफ्ते के बाद में हम कंपटीशन रख रहे हैं तो हो गई हमारी कंपटीशन। इसका हम पूरे साल से हम प्लानिंग करते हैं। तो पूरे साल से हमारी प्लानिंग कैसे होती है कि हमारे अभी नेक्स्ट ईयर रखने, तो हमें अभी से हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन होते हैं, हमारे कॉम्पिटिशन में 16-17 स्टेट आते हैं भारत से, तो 16-17 स्टेट आने के बाद में फिर उनको स्टे करना, उनके बच्चों को प्रॉपर गाइड करना, फिर कंपटीशन ये अरेंज करना, तो ये काफ़ी लंबा पीरियड होता है। कंपटीशन करना बहुत लंबा ये हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की प्लानिंग की बहुत ज़्यादा। यस यस। तो सर आपका नेक्स्ट इवेंट सर कब आ रहा है? सर मेरी नेक्स्ट, अभी ये पेंडेमिक की वजह से तो हमारा थोड़ा सा ये हो गया, गैप हो गया, लेकिन हमने एक पेंडेमिक में भी हमने ऑनलाइन कंपटीशन ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कंपटीशन थी, और जो बच्चे जीते थे उस कंपटीशन में टॉप 10 हमने ये किया था। यूट्यूब पे अगर सबसे ज़्यादा लाइक्स जिस बच्चे को मिलेंगे, यूट्यूब पे हमारे चैनल पे डाला था, तो ज़्यादा से ज़्यादा जिसको लाइक मिलेंगे वो फर्स्ट आएगा। तो ऐसे 350 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया था, तो उसमें अक्षिता राउत करके एक बच्ची थी, तो वो पालघर की थी, तो वो उसमें सबसे ज़्यादा लाइक्स उसको आए थे, कुछ तो 2,500 या 3,000 लाइक्स मिले थे, तो वो फर्स्ट प्लेस पे आई थी। तो उस कंपटीशन में हमने, फ्री ऑफ कॉस्ट कंपटीशन थी, तो उस कंपटीशन में हमने ये किया था कि उसके नाम से जो कोरोना विक्टिम्स है उसके नाम से उनके घर में जाके, कोरोना विक्टिम्स के घर में जाके हमने 1-2 महीने का राशन भरा था, और उसके बाद में उन्हें हमें पैसे भी थोड़े 2-4-5 हज़ार जो भी हमसे बने। सुना था कि आपने एजुकेशन के लिए भी एक प्रोजेक्ट को किया था और किसी बच्चे की मदद भी की थी, सर क्या था वो? सर वो कैसे, हम हर साल एक नए एक प्राइज के साथ में आते हैं कि बच्चे पूरे साल से अगर कंपटीशन ये प्रैक्टिस करते हैं, वो अपनी मेहनत करते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ हमारी तरफ से एक गिफ्ट मिलना चाहिए। तो मैंने 2019 में एक कॉम्पिटिशन रखी थी अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो उसमें हमने ये किया था कि 1500 से ऊपर मेरे पार्टिसिपेशन हुए थे, तो हम हर किसी का एजुकेशन नहीं कर सकते, तो उसमें से एक बच्ची का हमने एजुकेशन का हमने प्रॉमिस किया था कि कोई भी बच्ची अगर जीतेगी लकी ड्रॉ में उसका नाम निकलेगा, चाहे वो कोई भी स्कूल की हो, कोई भी स्टेट की हो। तो एक मेयर थी हमारे मुंबई की, डॉक्टर उज्ज्वला काले मैम, तो उन्होंने उस लकी ड्रॉ में से एक बच्ची का नाम निकाला था जो कि गुजरात से थी, गुजरात से बिलोंग करती थी, 12-13 साल की बच्ची थी। तो हम उसके स्कूल में गए और उसके स्कूल का पूरा चार्ज हमने, पूरे साल का हमने फीस पे किया था वहाँ पर जाके। तो कहने गए सर आप इवेंट्स के माध्यम से लोगों को मतलब सोशली हेल्प भी करते हैं। यस सर, होना ही चाहिए, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हाँ सर, ये के साथ
ये होना ही चाहिए कि एक हमारे हमारी तरफ से अगर हम किसी को कुछ हेल्प कर सकते हैं या हम हमसे अगर कोई मोटिवेट हो सकता है तो ये हमारा 100% बनता है कि हम उन्हें मोटिवेट करें। तो सर जैसे कि आप सक्सेसफुल इवेंट्स कराते हैं और आपके इवेंट्स में क्राउड भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो जो अपकमिंग इवेंट्स आप जो नेक्स्ट जो भी कराने जाएंगे उसके लिए हमारे जो कराटे प्लेयर्स हैं और इंस्ट्रक्टर कोचेस हैं जो देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज करना चाहेंगे कि आप किस तरीके से हमारे इवेंट के लिए तैयार होकर आए? अभी पैंडेमिक चल रहा है तो दिसंबर में हम प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन एक हम मुंबई से बिलोंग करते हैं तो हम एक प्लानिंग कर रहे हैं, अगर अंडर द गाइडेंस अगर गवर्नमेंट्स के रूल्स और रेगुलेशन में अगर हम आते हैं तो हम कंपटीशन 2021 में करेंगे दिसंबर में, अदरवाइज हमारा 22 में कंपटीशन डैम श्योर हम 100% हमारा कंपटीशन होगा। और इस बार में ओरिजिनल गोल्ड या 1 kg सिल्वर ओरिजिनल वो मैं देना चाहता हूँ इन द कॉम्पिटिशन टू के थाउजेंड अंदर ट्वेंटी ओबीसी टू 2022 में। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी इस इवेंट के लिए मोस्ट अवेटेड रहेंगे, तैयार रहेंगे और वेट करेंगे कि कब ये इवेंट हो और हम आपको इस इवेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स देते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं एक बार फिर से थैंक्स कहना चाहूँगा सर का जिन्होंने हमें टाइम दिया और आप सभी के लिए ये इंस्पिरेशनल और जो है न्यूज से रिलेटेड कि आप किस तरीके से हमारे इवेंट से जुड़ सकते हैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू। थैंक यू।